आपने डाला हुआ था कि H2 कैंसिल, क्या क्या रीजन क्या हुआ सर? हाँ H2 कैंसिल हो गई है, बट यहाँ पे बस खराब हो चुकी है जब से निकले हैं भाई, खराब ही चल रही है किस्मत। तो अभी 12 बजे अभी तक इसका तो भाई ये क्या हो गया? BMW से सीधा मेट्रो। अभी बताऊंगा आपको 2-3 बंदों से, वो आप पहचान जाओगे, थोड़ा आपको गैस हो जाएगा कि भैया हम क्या करने आए हैं। ठीक है, गाइस अभी मैं ऐसा कावासाकी में, जैसे कि आपको बताया मैं कावासाकी जा रहा हूँ पूरा कंफर्म करने के लिए कि भाई सच में क्या H2 नहीं मिल रही, कैंसिल कर दी है। तो अभी बैठे हैं नफील भाई सामने, कभी इनसे पूछते हैं यार क्या सीन है क्या नहीं है, तो पूरा बताएंगे आपको। ठीक है, तो क्या चक्कर है गाइस? नहीं क्यों, बल्कि मैंने कल आपका ब्लॉग, मतलब कि सुबह उठा तो आपका ब्लॉग देखा, तो उसमें बताया कि आपने कि थंबनेल में देख रहा था मैं कि वो था उस्ताद हवा नहीं चलाना, आवाज नहीं करना। तो थंबनेल में देख रहा था मैं, आपने डाला हुआ था कि H2 कैंसिल, क्या क्या रीजन क्या हुआ सर? हाँ H2 कैंसिल हो गई है, बट पुरानी वाली गाड़ी कैंसिल हो गई जो हम सेकंड हैंड ले रहे थे। अच्छा, उसी के साथ साथ हमने नई गाड़ी बुक भी करा ली है। मैं वो ही सोचूं कि हमने पेमेंट कर दी है तो ऐसा इशू क्यों बन रहा है। ठीक है ना, तो गाइस हमने ना पेमेंट कर दी हुई है, तो ऐसा इशू क्यों बन रहा था मेरे को नहीं पता था। हाँ। तो वो पूछने के लिए मैं स्पेशल सुबह घर से निकला तो सीधा इधर आ गया। मैं पूछता हूँ पहले, फिर उसके बाद जानू के पास चलते हैं। तो मतलब की आने वाली है, ऐसा नहीं है कि कैंसिल कर दी, आएगी। और ये भी आपको ब्लॉग्स में आपको बता दूं, सबको बता दूं कि इंडिया की पहली गाड़ी हम उठाएंगे, इंडिया की पहली। चेसी नंबर 0001 होता है टेस्टिंग, चेसी नंबर 0002 जाता है रिटेल के लिए, चेसी नंबर 0002 हम लेके आएंगे। और बोलो भाई इससे ऊपर क्या हो सकता है? ठीक है, पूरा कंफर्म आपको मैं बोला था ना कल के ब्लॉग में कि जो भी न्यूज होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो अभी नफील भाई थोड़ा काम कर रहे थे, मैंने आके थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं किया। अरे कैसी बात कर रहे हो बड़े भाई आप। तो चलो अभी आपको इतनी सी खबर दे दी, अब चलते हैं यार गांधीनगर, उधर देखते हैं, उससे पूछते हैं उसका क्या सीन है। ठीक है, तो चलते भी मिलते हैं वहाँ पे बस। चलो ठीक है फिर भाई। ठीक है भैया, जल्दी से जल्दी अरेंज करा दो यार, एज सून एज पॉसिबल। जैसे लॉन्च होगी उसके विद इन 1 वीक। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, ओके। तो गाइस यहाँ पे ना एक ऐसी मशीन है, वो आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी पहले, पर वो ना तब पूरी खुली हुई थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरी, मतलब इन्होंने काफी अच्छी मतलब कर दी है। अभी इसके ना थोड़ा बहुत सामान है जो नहीं मिल रहा है, तो वो ये लोग अरेंज कर रहे हैं, थाईलैंड से इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो भाई काफी टाइम लगेगा अभी। तो अभी आप मशीन देखो यार, जो आपको मशीन बताता हूँ वो देखो पहले आप। जी चेक करो भाई जी, कौन सी बाइक है आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि अभी बिल्कुल प्लेन है, कोई स्टिकर नहीं लगे हुए, कुछ नहीं लगा हुआ, कोई टैग नहीं लगा हुआ। कौन सी बाइक है भाई? नफील भाई ये कौन सा मॉडल है? 1990। तो ये कौन सा मॉडल है? 1990 का ही है। नहीं ये लिया कब बंदे ने? 1990s में ही है। RC पे भी यही है? नहीं यार, देख लो भाई उस टाइम की सुपर बाइक। तो ये देख लो यहाँ से तो खाली है। अच्छा रेडिएटर खोला हुआ है। मैंने बोला, मैंने सोचा क्या बताता हूँ आपको, रेडिएटर थ्रॉटल बॉडी और रेडिएटर नहीं मिल रहा, हमने थाईलैंड से इंपोर्ट करो, और फ्यूल पंप भी नहीं मिल रहा, 3 दिन मुझे थाईलैंड से इंपोर्ट करवाया। अभी जब आएंगे वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो भाई ये बाइक मैंने देखा कि डोन बहुत है, काफी ज्यादा है ना, क्लच क्लच भी हाइड्रोलिक है नहीं यार, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक की होती है ना। हाँ हाँ ठीक है, उस टाइम की सुपर बाइक है भाई, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, कोई भी नहीं हुआ होगा, भैया होंगे शायद, भैया हुए थे भाई। देख रहे हो उस टाइम की सुपर बाइक, सही है यार। एग्जॉस्ट कितने हैं इसके? एक ही है? दो एग्जॉस्ट है। दो? तो अभी है कहाँ पे? अच्छा खोला हुआ है। लियो एनसी का लगा, इसके अंदर फुल सिस्टम कार्बन फाइबर, तब में फुल सिस्टम कार्बन फाइबर, तब का चलो जब कंप्लीट होगी तब दिखाएंगे आपको गाइस। ओके यहाँ पे भाई दिख नहीं रहा रात को कुछ, तो भाई इसकी ना वो रैप कराया हुआ है, वो खोलते हैं, दोनों साइड हुआ हुआ है ना, दूसरी साइड से ये वाला खुल गया, अब रोशनी बढ़ जाएगी। गर्म हुआ ना इसलिए जल्दी उतर गया, पता भाई देख रहे हो इसका तो आगे निकल गया। अब रोशनी बढ़ जाएगी। गाइस यहाँ पे बस खराब हो चुकी है जब से निकले हैं भाई, खराब ही चल रही है किस्मत। तो अभी 12 बजे अभी तक पहुँचे नहीं है दिल्ली, यहाँ पर भाई बस की बल्ब खराब हो गई, पहले गाड़ी खराब हो गई थी हमारी BMW, अब बस खराब हो गई भाई, क्या किस्मत है भाई। देख रहे हो मुरथल में पहुँचे अभी तक, तो भाई हालत देख लो हमारी क्या हो रही है भाई।
बस की ब्रेक फेल हो गई है ना, बस स्टार्ट हो रही है भाई। हालत देखो भाई क्या किया जाए, अब मुश्किल पहुंचे भाई। पहले भी हम लोग खराब हो गई थी जम्मू ही, अब बस इसमें देख रहे हो। एक बार फिर से ये चुके हैं मैं, वो देखो बस फिर इन्होंने रुकवा दी साइड पे आगे कहीं पे। ये है इसका खौफनाक चेहरा देखो, ये देखो ये देखो, ये बंदा को कहीं भी मिले बस में नहीं चढ़ने का, ठीक है, नहीं तो रस्ते में उतार देंगे। कहाँ बैठा बस खराब होने के बाद ये हालत है हमारी। सो गाइस अब आ चुके हम ऑटो में, भाई कैसा लग रहा है? तो भाई BMW से पहले स्लीपर में, उसके बाद SRTC, अब ऑटो। ओ भाई पूरे क्रूज कॉल, वेरी गुड भाई। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं भाई होटल, फाइनली भाई रूम ले लिया हमने इस टाइम पे। और भाई काफ़ी खज्जल होने के बाद आपको क्या ही बताऊं, मैं रास्ते में मैंने ब्लॉग भी आधा नहीं बनाया क्योंकि यार इतनी ज़्यादा सीन हो गए थे ना हमारे साथ रास्ते में। भाई घर से हम निकले, पहले हमने भाई बस की टिकट्स कराई थी, फिर एजान बोलता भाई मेरी बाइक गाड़ी लेके आ जाओ, अब दिल्ली आ रहे तो भाई गाड़ी लेके आ जाओ। तो भाई उसकी गाड़ी तो ले ली भाई, उसमें भाई क्या ही बताऊँ आते आते रास्ते में ख़राब हो गई। कितने बजे हुई थी? 10 बजे खराब हुई, 12 बज गए। फिर भाई यासिर आया हुए भाई, यासिर वो गाड़ी लेके गया भाई। उसके बाद भाई हम बैठे बस में, स्लीपर में बैठने के बाद भाई उसके बाद क्या हुआ, सुबह स्लीपर में जब पहुंचे भाई, सुबह स्लीपर की ब्रेक फेल होगी, जब ब्रेक फेल होगी भाई बाइक बस की, फिर उसके बाद भाई SRTC में बैठे भाई, वो सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है यार, देखना आप लोग सारे। SRTC में बैठने के बाद फिर उस भाई ऑटो में, अब भाई रूम में पहुंचे भाई कोई हम 3 बजे, सोच लो जम्मू से 9 बजे निकल रहे हैं, दिल्ली 3 बजे पहुंच रहे हैं, क्या ही सफर था हमारा। तो रात के 3 बजे निकले, सुबह 3 बजे पहुंचे, रात को 9 बजे निकले, सुबह दिन को 3 बजे पहुंचे, वही बोल रहा हूँ। ये हालत रही है हमारी यार, ये हालत रही है गाइस, सोचो हमारा सफर कितना बेकार रहा होगा। तो सोचो भाई गैस करो हम क्यों आए हैं दिल्ली, गैस करना और कमेंट करके बताना हम क्यों आए हैं, ठीक है। सरप्राइज आप सबके लिए लेने के लिए बापे दिया मेयर, क्या लेने आए हम दिल्ली, जट डोंट केयर बताओ ना, H2 भाई देख लो भाई बता नहीं रहा पर H2 आपको पता दिल्ली हम क्यों आए हैं भाई, कमेंट करके बता दो। H2 भाई सरप्राइज आप सबके लिए। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था उस चीज को लेने, भाई रूम लॉक कर रहा है तो चलते भाई रूम लॉक कर दिया, अभी यहाँ से निकलते भाई, रेडी वगैरह हो गए थे, फ्रेश वगैरह हो गए थे, अब पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, 4 बज रहे हैं, खाना कुछ नहीं खाया तो इसलिए अभी ब्रश वगैरह किया है। तो अभी हम पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो लेना है उसके पास जाएंगे सीधा, ठीक है। ब्रेकफास्ट करेंगे पहले या नहीं? तो चलते पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। तो भाई अभी हम बैठ चुके हैं ऑटो में, तो भाई अभी हम जा रहे हैं भाई एक अच्छा सा सरप्राइज लेने के लिए आप सबके लिए। तो अभी हम मैं बताऊंगा आपको 2-3 बंदों से, वो आप पहचान जाओगे, थोड़ा आपको कैसा हो जाएगा कि भाई हम क्या करने आए हैं, ठीक है। तो अभी हम बैठे हुए हैं ऑटो में, भाई सामने बैठे हुए हैं जीजू, तो भाई देखते हैं भाई क्या सरप्राइज आप सबके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लॉग में तक देना, फिर एंड में ही पता लगेगा, उससे पहले आपको पता लगने वाला। तो आप देख रहे हो कि भाई अभी हम ऑटो में बैठे हुए भाई, इसके बाद हम आपको ऐसी चीज़ें मिलने वाले ना, दिखने वाले ना खतरनाक, आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी और सारे। हमें सबने मना कर दिया हम आपको नहीं लेके जाएंगे रोहिणी क्योंकि भाई काफ़ी दूर होगा। तो अभी हम जा रहे हैं भाई मेट्रो से चलते हैं, देखते हैं फिर कितनी दूर है यहाँ से। 20 किलोमीटर होगा, सारे ऑटो वाले मना कर रहे हैं भाई, तो अभी मेट्रो से जाएंगे। तो चलो चलते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई। ये क्या हो गया, BMW से सीधा मेट्रो, अभी कुछ ओके। तो भाई ये देखो हमारी महान हस्ती है दो, भाई तीसरी मैं, भाई ये रही चौथी हमारी, अब जो कि मेट्रो आ गई है, अब हमारी फाइनली ये लास्ट होने वाली है या इससे भी आगे कुछ और देखने को मिलेगा? लास्ट है, इसके बाद कुछ सरप्राइज भी मिलेगा वो दिखाऊंगा आप सबको मैं। तो फाइनली गाइज अभी हम मेट्रो के बाहर पहुंच गए थे और हमें लेने कौन आ गई, गाड़ी आ चुकी है भाई, अभी बैठते गाड़ी में चेक करो, देख रहे हो भाई साहब ये क्या चक्कर इतना लेट, और भाई क्या क्या लेट दुनिया क्या ले भैया। तो फाइनली गाइस पहुंच गए, अब चलते हैं भाई, आपको पता लग गया होगा कौन सी गाड़ी किसकी गाड़ी है, तो अभी चलते हैं वहीं पे उनसे मिलते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं बत्रा मोटर्स, तो भाई अभी आप सबको ना मैं सबसे मिलवाता हूं भाई धीरे धीरे, यहां पे आपको एक और अपने जो कि और भाई पहुंच गए मैं, कैसे हो आप सुनाओ, बढ़िया। और भाई वो कहाँ है, कौन हमारा भाई, कौन भाई, कल्याण, कल्याण भाई अंदर है। सो गाइस जो भी अपडेट था मैंने दे दिया भाई, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो भाई होप करता हूँ आपको सबको अच्छा लगा हो भाई, बाकी जो भी अपडेट होगा जो भी चीज़ ले रहे हैं भाई वो आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगी। तो ये आज का ब्लॉग करते हैं इसी के साथ एंड, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो ले बाय बाय।